तो ये हम मैं भी उठ गया हूँ और ये सारे भी उठ गए हैं। देखो इनकी हालत नसीड़ियों वाली हो रही है। तो बाकी फ्रेश होने के बाद आज हम जाने वाले हैं शालीमार बाग, निषाद बाग और जो भी लोकल्स में है वो सारा आज हम कवर करने वाले हैं। तो एक आज आपके पास एक ऐसा इक्विपमेंट्स होना चाहिए जिससे आप अपना कॉफ़ी वगैरह तो बना के पी सकते हो रूम में, वरना तो यहाँ सब कुछ काटने को दौड़ रहे हैं हमें। ये डर गया था बेचारा, 150 रुपये का पराठा सुनते ही इसके होश होश उड़ गए थे। अबे तो मगर फिर भी हमने अब ब्रेकफास्ट करके हम निकलने ही वाले हैं यहाँ से, तो तैयार होकर मिलते हैं आपसे। तो हम ब्रेकफास्ट में ऑर्डर कर चुके हैं अपने ऑमलेट वगैरह और पराठे, और कॉफ़ी का इंतज़ाम तो हमारे पास है ही ऑलरेडी। तो ये आ चुका है हमारा ऑमलेट और ये पराठे वगैरह उड़ाना हो रहा तेरे और इसके साथ अचार। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाता खट्टी चीज़ें, और बाकी लोंडे भी पिल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाइस अब हम हो चुके हैं रेडी बिल्कुल, और ये दोनों भी हो चुके हैं रेडी, और एक मैला कुचेला है हमारा उधर वॉशरूम में। ओए मैला कुचेले, हाँ भैया, बंद क्यों कर रहा दरवाजा, खोल खोल। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से पहले हम गार्डन गार्डन करेंगे, फिर परी महल जाएंगे। तो यहाँ से हम पहले जाएंगे परी महल जो कि थोड़ा ऊपर है, शाम को करेंगे शिकारा, और शाम को करने वाले हैं हम शिकारा शिकारा राइड जो पूरी डल झील वगैरह जो घुमाते हैं हमें। और क्या हालत कर दिया तुमने ये सब रूम की, देखना जरा भाई। एसी होती है? एसी? एसी तो हेवी नहीं है। देख वो पेट अंदर कर ले, हाँ वो भी देखो, पेट अंदर कर लिया करो भाई फोटो या वीडियो बनाते टाइम। और शाम की शाम को हमारी आ चुकी है एक दावत, दावत सैफ के रिश्तेदार के यहाँ से। तो तो भाई तू क्या बता रहा था लास्ट में, वो पानी वगैरह स्टार्टिंग में पानी वगैरह देते हैं वो हाथ ना, हाँ। पहले बता रहा था इन्हें भाई, वो हाथ ना वही धुलाते हैं दस्तरखान पे, हाँ। कभी तुम पानी पी जाओ। हाँ मैंने इससे गुड्डू से बोल दिया एक बार वहाँ पे कहाँ गए थे खाना खजाना, तो वो रेस्टोरेंट में सबसे पहले देते हैं लास्ट में जो देते हैं ना एक नींबू और हाथ धोने के लिए देते हैं, तो वो एक बार पी गया था ये बेचारा, तो इसलिए हमने इसे पहले ही बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, डिस्क्लेमर डाल दिया हमने पहले इसलिए। हाँ तो अब हम निकलते हैं यहाँ से परी महल के लिए, हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और निकलते हैं परी महल के लिए, उसके बाद चश्मेशाही वगैरह जाएंगे हम, फिर देखते हैं शालीमार बाग निषाद बाग जो भी आज हम यहाँ का जो लोकल है सारा वो कवर अप कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ का आज का ब्लॉग, और होने वाला है बहुत धमाकेदार। तो हम निकल चुके हैं परी महल के लिए और ड्राइव कर रहे हैं सैफ, और बाकी दो लोग पीछे बैठे हैं हमारे, और मेरे पास फ़िलहाल आज गॉगल नहीं है, मैं भूल गया जल्दी जल्दी में, तो मैं अभी यहीं से ही ख़रीदने वाला हूँ एक दो गॉगल्स। और ये देखो आप व्यू यहाँ का, तो ये है आपका चश्मे शाही, और स्नो तो है काफ़ी हुई थी यहाँ पे मगर अब थोड़ी कम हो गई है। और यहाँ का आई थिंक टिकट वगैरह है, कितने का टिकट मिला? 24 रुपीज़, सिर्फ 24। ये क्या मसला है भाई, 24 25 कर देते कम से कम। दिखाओ ये टिकट, दिखाओ ये है टिकट, और ये है चश्मे शाही मुगल गार्डन चश्मे शाही। तारीख को यहाँ बर्फ़ पड़ी थी और काफ़ी सूख गई है बर्फ़ भी, मगर अभी भी झाग पड़े हुए हैं। जो एक हमारा दोस्त आया था झागों में फ़ोटो खिंचवा के गया था, तो ये वैसे ही झाग समझ लो अभी फ़िलहाल यहाँ पर। बाकी जो प्रॉपर हमें बर्फ़ मिलने वाली है वो मिलने वाली है गुलमर्ग में, जो हम कल जाने वाले हैं, कल नहीं तो परसों, अभी प्लान करेंगे रात को अगर वहाँ पर होटल हमें मिल गया आज रात को। हाँ क्योंकि वहाँ पे नहीं, बुकिंग का भी इशू है ना, हाँ बुकिंग, क्योंकि होटल भी वहाँ फुल है। लेकिन तो एक घंटा हो गया हमें आए हुए, और हमने चश्मे शाही तो एक्सप्लोर कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं परी महल की तरफ। भली छोटी छोटी सी बर्फ स्नो वगैरह, बस श्रीनगर में मेन मॉल रोड पे ही नहीं है, बाकी उससे ऊपर आए हम 2 किलोमीटर, तो काफ़ी स्नो वगैरह हुई है यहाँ पर, और हमें ड्राई आइस भी मिल सकती है। हाँ क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, हमारी कार के ऊपर भी बर्फ़ जम गई, बर्फ़ जम गई थी सुबह, रात में जमी होगी वो, तो सुबह दिन नोटिस किया ये बात, रात में दिख नहीं रही थी ना सनलाइट पड़ी, तो अलग से ही चमक रही थी। फोटो खींच ले। तो हम पहुंच चुके हैं परी महल।
फिलहाल हम आ गए हैं अपना लंच करने, टाइम हो रहा है, टाइम भी ज्यादा हो गया 3:15 और हम हैं तीन सात बाग के सामने। एक रेस्टोरेंट हमें मिला था तो उसका नाम है जीनत। तो फिलहाल हम इधर अपना लंच करने वाले हैं और इसके बाद हम जाएंगे निशात बाग। तो इनके पास जो खाने में है वो है गोश्तावा और रिश्ता और इतने बड़े बड़े कबाब, रोगन जोश भी है। कबाब नहीं यार, इतने वो लिखा हुआ है ना कबाब, बोरे बड़े वाले वो नहीं लेंगे यार। तो फिलहाल हम देखते हैं, बिरयानी तो हमारी सबकी फेवरेट है तो बिरयानी हम ऑर्डर करने वाले हैं। और तुम बताओ क्या ऑर्डर करोगे भाइयों? क्या बताएं यार, फिलहाल तो देखो बिरयानी तो लेनी है और उसके अलावा एक आइटम और कुछ भी देख लो, जैसे अगर क्या करनी हो तो रोगन जोश देख लो। तो गाइस हमारे साथ हो चुका है एक सीन, जो गुलमर्ग में हम होटल करने वाले थे वो रिजर्व्ड हो गए हैं सारे। हम सोच रहे थे हमें वहीं जाके मिल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो हमने किसी अपने जानने वाले को कॉल वगैरह की थी तो उसने हमें इन्फो दिया है कि यहाँ सारे होटल रिजर्व्ड हैं, अगर 2-3 दिन बाद अगर आप आना चाहो तो आपको मिल सकता है, अदरवाइज़ तो अभी रिजर्व्ड हैं सारे होटल। बाकी ये बातचीत जो चल रही है इतनी गहरी, ये उसी उसमें चल रही है कि हमें होटल बुक करना है किसी भी हाल में कल के लिए। हाँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। उसने 15-20 मिनट का टाइम मांगा है जो हमारा जानने वाला है वहाँ, तो 15-20 मिनट बाद वो हमें इन्फो करेगा कि होटल खाली है या नहीं। फिलहाल हम चलते हैं अपने निशात बाग और शालीमार बाग की तरफ, ये कवर करते हैं आज, फिर उसके बाद हम जाएंगे झील पर। अगर आज हमारा झील नहीं हुआ तो हम उसको कवर करेंगे कल। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं शालीमार बाग और यहाँ पड़ा है सारा सूखा। बताओ तुम यहाँ बंजर में ले आओ या करूँ क्या भाई? ये ले पे पहाड़ देख कितने खूबसूरत पहाड़, पहाड़ तो मुझे रोड से भी दिख रहे थे, पेड़ दिख गए, पेड़ कितने मस्त का पेड़ है। ये देख तू डिजाइन देख, रोड यूं बना रखा है इन्होंने, ये डिजाइन देख तू यूं बना रखा है, देख लिए पेड़, ये देख पत्ते कितने अच्छे हैं यहां के। देख जब आए तो सामने मत्थे टेक आते हैं, क्या है वो सामने? अरे मुगल गार्डन है, यहाँ पे मुगल जो बादशाह थे वो अपना रिलैक्स करने आते थे, रिलैक्स करने। ये शालीमार है यार। हाँ तो मुगल शालीमार गार्डन है, तो है। मुगली गार्डन कहलाता है। नहीं मुगल जो थे ना, मुगल जाए थे, उनकी बीवी का नाम है शालीमार था। हाँ तो उन्होंने उनके और वो जो निषाद है वो निषाद बीवी का होगा। तो यहाँ क्या निषाद बीवी कबर है? यहाँ गार्डन है, घूमने आते, तुमने नाम कर रखा था गार्डन है, हाजमे के लिए बनवाया था, हाजमा अच्छा। और उनका वाटर कूलर तो खाली है यार अभी, यहाँ पे गर्मी में आता है, फंक्शन चल रहा है। गुड्डू अगर तुझे अपनी बंदी के लिए कुछ लेना है तो भाई देखिए सोने चांदी की चेनें मिल रही हैं ऐसी खुली। अबे हमारे अलावा कोई है भी और? भाई हमारे अलावा तो कोई नहीं है और हमें यहाँ से कट लेना चाहिए अब जल्दी से जल्दी। अबे यहाँ पे लिखा हुआ तो है कि फूल मत तोड़ना लेकिन फूल है का, यही तो मसला, यही तो है, गमले तोड़ ले, झूठ लिख रखा था मैंने। मुझे लग रहा है इन्होंने ना तोड़ने के बाद लिखा होगा। हाँ चलो यार चलते हैं अब वापस, मैं तो थक गया। अगर ये बर्फ से ढका होता कितना मजा आता फोटो खिंचवाने में, मजा आता भाई। अब तो भाई फाइनली हमारा कन्फर्म हो चुका है, कल हम जा रहे हैं गुलमर्ग और वहाँ हम वन नाइट स्टे करने वाले हैं, मतलब 2 डेज तो हमें मिलेंगे, एक दिन एक्टिविटी का और बाकी एक दिन वहीं एक्सप्लोर करेंगे हम, तो वन नाइट स्टे हम वहाँ करने वाले हैं। और अब हम जा रहे हैं सीधा झील पर, लेक लेक, हाँ झील लेक, तो वहाँ हम शिकारा राइड करने वाले हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं शिकारा राइड पे और हमारी शिकारा बुक हो चुकी है और ये देख सकते हो आप हमारी शिकारा जो है रेड वाली, काफ़ी अच्छा है ये अंदर का है। हाँ हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, चलो चल के बैठते हैं हम, आ जाओ भाइयों। देखते हैं, पहले तो हमने एक बार बचपन में करी थी, अब बाकी इतने बड़े बड़े ऊँट हो गए हैं इनके साथ करनी पड़ रही है। इस टाइम इधर बराबर में गर्लफ्रेंड या बीवी होनी चाहिए थी मगर इनकी शक्लें देखनी पड़ रही हैं मुझे। तेरी किस्मत में हमारे ही साथ किस्मत में बहुत है, अभी जब तक ना मिल ही रही तेरे को। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को और मज़े उठाते हैं अपने एडवेंचर का। तो भाई ये क्या बेचने आ गए, हुक्का? हाँ, ये कितने का है? अलग अलग प्राइस है सर। अच्छा, हर्बल फ्लेवर भी है, निकोटीन भी है, पूरा राइड इंजॉय हो जाए, एक्सपीरियंस रहता है सर। नहीं भाई हम लोग हुक्का नहीं पीते। अरे सर जी ट्राई करो ना, वो कांगिया बंदा जो अभी आया था हॉट चॉकलेट वाला, पूरा राइड के लिए मजा है। ये यहाँ पे शॉप भी है छोटी छोटी, शिकारा शॉप, होटल भी दिखा दे यार कांगिया पूरा।
बहुत दूर चला गया यार, जूम कर लेंगे पूरा होटल हमारा, जूम करके थोड़ा होटल वगैरह दिखा दो। बिल्कुल हमारा व्यू जो है झील के सामने ही है। तो ये जो सितारे का हमने राउंड लिया है, ये लिया है इसका जो एंड है झील का वहाँ तक, तो ये हमें इन्होंने दिया है 1000 रुपीज़ में चार बंदों का, और ये हमें एंड तक लेके जाएगा, वहाँ से घुमाएगा। ये राइड हमारी होने वाली है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच, 1.5 घंटा तो मान के चलो क्योंकि इन्होंने 1.5 घंटा बोला ही है कि लगना ही है था, और एक बंदा ये हमारा भी सारा चलाने वाला है, चार जनों को खींच रहा है रख रख के। क्या चीज़ है भाई ये? फ्रूट चाट है, बना दो, नींबू मत डालना, नींबू नहीं डालो। ठीक है, जल्दी भगा के लाओ भाई स्पीड में। बूढ़ा आदमी कहाँ लाएगा स्पीड। अरे तो भाई एक बंदे को ड्राइवर रखो ना तुम। मेरे पास स्पीड बहुत है। ये भाई बस 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 भाई, ये तो रॉकेट की। अरे रॉकेट कितने का है भाई? 1000 रुपया। 1000 रुपया? अच्छा 800 रुपये डिस्काउंट। ये अच्छा है टेक्निक इनका, पहले इतना बोल दिया कि यहाँ से ही हमारा हो जाता है मीना बाजार स्टार्ट।